कहानी रफ्म वानसाफ के लिए एक और मुनासिब इनवान तजवीज कीजिए। नेक राजा, इंसाफ राजा, बाज और कबूतर, राजा शबी, कहानी गौर से पढ़िए। नीचे दिए गए जमले किस के हैं लिखिए। हुजूर मेरी जान बचाए, कबूतर मेरी भूख मिटाना भी आपका फर्ज है, बाज उसकी जान बचाना भी मेरा फर्ज है, राजा शबी, शालिनी ने ओ नम प्रोग्राम की एक तस्वीर फेसबुक में डाल दी। बहुत से बच्चों ने उस पर कमेंट किया, आप भी एक कमेंट कीजिए। एक, वाह बहुत अच्छा। दो, वाह इमदा लाजवाब। तीन, अरे वाह शालिनी बहुत खूब। चार, मुबारक हो शालिनी। बच्चों, शालिनी ने एक कहानी लिखी है की कोशिश की है। नीचे दिए गए तस्वीर और इशारों की मदद से कहानी को आगे बटर गाए और मुनासिब इनवान भी तजवीज कीजिए। चूहा और चिड़िया। एक दिन एक शिकारी आया चिड़ियों को पकड़ने के लिए। जाल फेंका, जाल के अंदर दाना भी चुभ गया। दाना खाने के लिए चिड़िया आई और जाल के अंदर पिंस गए। उस वक्त एक चूहा वहां आया और जाल काटकर चिड़ियों को बचा दिया। चूहे को शुक्र अदा करके अर्घ्य पाए। बच्चों, आपने राजाओं की बहुत सी कहानियाँ सुनी की, उस तरह की कहानियाँ जमा कीजिए और एक कहानी क्लास में पेश कीजिए। एक दिन एक भूखा शेर एक पेड़ के साए में सो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक चूहा भी रहता था। सोते हुए शेर को देख कर से एक तमाशा सोचा। चूहा शेर के पीठ पर चढ़ा और खेलने कूदने लगा। शेर नींद से जाग उठी। शेर ने चूहे को पकड़ा। आज तो ही मेरा खाना है महाराजा, मैं गरीब जानवर हूँ, मुझे माफ कर दीजिए तो कभी मैं आपका काम आऊंगा। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? फिर भी आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। शेर का फैसला सुनकर चूहा बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी आया जानवरों को पकड़ने के लिए। उसने एक जाल बिछाया। खुशकिस्मती से शेर उस जाल में पेंस गया। शेर की आवाज सुन कर चूहा आया। ये वही रहम दिल शेर है चूहे ने जल्दी जाल काटना शुरू कर दिया।